पूछ ली अरे पूछ ले पूछ ले ना। अरे फिर भी पूछ ले, तेरी सुनेंगे ज्यादा। नहीं नहीं फिर भी भाई साहब डॉक्टर ललित चौधरी हैं, इनको दो गाड़ियां लेनी है। एक छोटी गाड़ी लेनी वाइफ के लिए, एक बड़ी गाड़ी लेनी खुद के लिए। तो छोटी वाइफ नहीं नहीं छोटी गाड़ी लेनी, गाड़ी, गाड़ी लेनी ये रहने वाइफ और कुछ के लिए, मतलब एक वाइफ के लिए अपने लिए दो गाड़ी लेनी। दो गाड़ी लेनी है, छोटी वाइफ नहीं मतलब वाइफ के लिए छोटी गाड़ी लेनी, बड़ी गाड़ी वही है ना, बच्चे को काट के सेब खिलाओ वो वाली चीज। वाइफ के लिए बड़ी गाड़ी BMW टाइप। अच्छा खुद के लिए छोटी लेनी है, वैगनार फाइनल की है उन्होंने। वाइफ के लिए पूछना है कि कौन सी लेनी चाहिए। तो कौन सी लेनी चाहिए पूछो, वैगनार फाइनल थोड़ी हुई है, कौन सी लेनी है कोई भी बताओ, कोई भी बजट ऐसा एक कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 7 से 8 लाख बजट है, छोटी गाड़ी सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, कौन सी ली जाए। CNG पेट्रोल डीजल नहीं, सिर्फ CNG पेट्रोल। और क्या था, बड़ी गाड़ी 15 लाख रेंज तक की कौन सी ली जाए, या फिर सेकंड हैंड BMW वगैरह कुछ ली जाए, या फिर नई गाड़ी ली जाए पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल क्रेटा वगैरह इस टाइप से कोई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा डॉक्टर ललित के लिए। आज भाई साहब ऐसा पोपट हुआ है ना मेरे साथ, मतलब मैं बता नहीं सकता, एक ऐसी कॉमेडी हुई है। आज थी मेरी कोर्ट एविडेंस, ठीक है। एक सम्मन आया हुआ था दफा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में, गनशॉट इंजरी का केस था फ्रॉम पलवल। तो मुझे जाना था पलवल कोर्ट, और मैं सुबह हो गया पेशेंट देखने चक्कर में लेट। मुझे लगा मैं VC कर लूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके थ्रू मैं एविडेंस दे दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं VC नहीं कर पाया। कर क्या नहीं पाया, उन्होंने टाइम ही नहीं दिया कि अभी थोड़ा देर वेट करो थोड़ा देर वेट करो। वेट करते करते 11:30-12 यहीं पे बज गए मेरे को, इससे बढ़िया मैं कोर्ट चला जाता उसके बाद भी तो भी ठीक रहता। अब कोर्ट भी नहीं जा पाया, VC भी नहीं हुआ। अभी मैं निकला सोनीपत के लिए, मैंने कहा यार VC तो कर नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे सेटअप होता पूरा। अभी वहाँ से फोन आया कि भाई आप ना VC के लिए आ जाओ। तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं आधे रास्ते में फंसा हूँ ना वापिस जाने का ना। अब क्या होता है कि वैसे मैं मोबाइल से कर सकता हूँ, बट कुछ कोर्ट होती है वो मोबाइल से आपको अलाउ नहीं करती VC करने के लिए। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई प्लीज करने दो, फोन से कर लूंगा तो मैं काम चल जाए। अदरवाइज यहाँ से पलवल जाना 1.5 घंटा, उसके बाद 2-2.5 घंटा आगे सोनीपत, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो भाई बहुत तगड़े वाला पोपट कटा आज, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। होता है भाई, होता है, डॉक्टरों के साथ ही भी होता है। और एक चीज और, गवर्नमेंट के जो डॉक्टर होते हैं उनको जब भी कोई कोर्ट एविडेंस निपटाने जाते हो तो आने जाने का किराया मिलता है, खर्चा मिलता है, हमें कोई खर्चा नहीं मिलता। कोर्ट है वो कहते हैं कि तो प्राइवेट हॉस्पिटल देता है सिर्फ काटने के पैसे, हमें हमारे हॉस्पिटल की तरफ से ऐसा कोई पैसा नहीं मिलता, हम अगर जाते तो अपने खर्चे पे जाते हैं। कोर्ट हमें नहीं देता, इधर हमारा हॉस्पिटल हमें नहीं देता। चलो कॉल आ गया है फिर से, कोर्ट से कॉल आ रहा है तो मैं पिकअप करता हूँ। हेलो, हाँ जी कर रहा हूँ सर, मेरे हैं सर, हाँ जी सर मेरे हैं। सर मैं QRG LCT सेक्टर 16 फरीदाबाद जी सर, उसी हॉस्पिटल में सर। लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर अबव लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर इलियक बोन, हड्डी होती है ना सर साइड में, लेफ्ट साइड में हड्डी होती है जो ऊपर सर, यही एक ही वुंड है सर, यही एंट्री वुंड है सर। इंफॉर्मेशन सेंड करो पुलिस इंजरी, और इंजरी नहीं है सर इसमें, कोई एक इंजरी थी सर, ये पेंडिंग अंडर ऑब्जर्वेशन थी सर। इंजरी वाज कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू जी सर। जी सर कॉन्शियस ओरिएंटेड थे सर? नहीं सर वैसा कुछ नहीं बताया सर। सर प्राइमरी ट्रीटमेंट किया सर मैंने, नहीं नहीं सर MLR और प्राइमरी लिया बस। Did you find any tattooing or burn around the wound sir? Yes sir. No, I didn't mention that in this injury sir. Did you take into possession the clothes corresponding any hole? Sir, I don't remember that thing that I have taken to note. Thank you sir. Thank you sir. लो भाई हो गया कोर्ट एविडेंस। चलो इसी के चक्कर में अपने आज 4 घंटे खराब हो गए, अब निकलते हैं अपने। ये थी इंटरसेप्टर गाड़ी, यहाँ की जो स्पीड लिमिट है 70 है, और 70 से ऊपर आप चलाओगे तो इनके स्पीड कैमरा में आ जाओगे और ये आपको रोक लेंगे। इनसे सबसे जो आसान तरीका बचने का, कई लोग कहते हैं कि आप लाइट जला दो, कई लोग कहते हैं वाइपर चला दो, कोई कहता है आपकी फॉग लाइट ऑन कर दो, कोई कहता है खिड़की से बाहर हाथ निकाल लो, तो इनकी कैमरा में नहीं आता। सब मिथ है, सब भ्रम है, मैं सब ट्राई करके देख चुका। जो इंटरसेप्टर वाले जानकार थे तो उनके सामने में उन्होंने मेरे को बताया कि आप भगा के देखो, हम आपको बता देंगे स्पीड क्या है।
मैंने पकाया, 5-6 का वेरिएशन होता है, बट ऑलमोस्ट ये एग्जैक्ट स्पीड बता देते हैं आपकी। आपका गाड़ी का मीटर हो सकता है गलत हो, उनका मीटर ठीक होता है। तो अगर किसी को वहम लगता है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे आपकी गाड़ी कबल फौज कर लेगी, पता नहीं चलेगा, तो ऐसा गलत है, आप पकड़े जाओगे। तो देर इज नो सच मेथड की जिससे आपकी गाड़ी इंटरसेप्टर में ना आए। इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हरियाणा पुलिस के पास में 2-2 किलोमीटर 2 माइल्स वाले जो होते हैं, 2-3 किलोमीटर वाले कैमरा भी हैं जो 2 किलोमीटर दूर से ही आपकी स्पीड बता देंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने दूर से तेज भगा ली, पास आके धीरे कर ली तो नहीं पकड़े जाओगे, ऐसा नहीं है। सो बी केयरफुल, पुलिस से पंगा नहीं लेने का। क्या आज तो भाई दुखी हो गया, मतलब पहले कोर्ट के एविडेंस के चक्कर में लेट हो गया, उसके बाद में कोर्ट एविडेंस अटेंड करी, फिर जाम, अब 2:35 हो चुके हैं, 11 बजे चला था मैं, तो पहले 2 घंटे तो घर वहीं वेट करता रहा हॉस्पिटल, 11 बजे चला, अब 2:35, 3.5 घंटे लग गए भाई फरीदाबाद से सोनी बता रहे, परेशान हो गया भाई। भगवान किसी को जाम में ना फंसाए। मेरा बेबी, मेरा बीबी आ गई, पापा रशु देखो पापा आ गई। टेस्ट चल रहा है पेपर। हाँ। ओहो एग्जाम, ओहो क्या बात, आंसर सही करे, भाई वाह भाई वाह, ये तो पता चलेगा। हाँ रेतु मैं तेरे बैठ चल वीडियो बना। नींबू, अच्छा नींबू के पास चलाई। 3 hours later हेलो गाइस, शाम के बज चुके हैं 6:30, मैं आया नहाया भी नहीं, खाना खाया, लेटा और मुझे नींद आ गई। हम कपड़े चेंज कर लिए थे बट मुझे नींद आ गई, और मुझे अब नहाना, नहाता नहीं तो मैडम गुस्सा हो जाती है। मैंने मैडम को बोला था कि मैडम चलो कहीं का प्रोग्राम बनाते घूमने का, लेट्स गो टू रानीखेत, वहाँ पे अपने फार्म हाउस उस पर चलते हैं। तो पता नहीं क्यों मैडम का मूड ख़राब है, जब और मूड ख़राब हो जाता है तो फिर इंसान का व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है, तो व्लॉगिंग करने का मन नहीं करता, बस हो गया। अभी यहाँ खुली 6:30 बजे मैं उठा तो कहती है जाके दूध ले लो छान लो, तो मैंने दूध लिया छाना। अब भाई क्या करें, एक ब्लॉगर को तो जैसी भी सिचुएशन है, अच्छी है बुरी है, वीडियो तो बनानी है। अब कैसी सिचुएशन है पता नहीं, अभी भी गर्म है सिचुएशन। जैसे आपका खाना गर्म है, बनाया पास्ता, पास्ता बना रही, कह रहे तुम्हें तो भूख नहीं है ना, तुम तो खाओगे नहीं ना पास्ता, सर पता नहीं क्या बनाया, खाने में क्या बनाया, खाना नहीं बनाया, सिर्फ पास्ता बनाया, पास्ता खाएंगे अगर मिला तो। क्या कर रहा मैं, मम्मी तो सो रही है ना। पहले मुझे लगा कि शायद मैं नहाया नहीं इसलिए मैडम नाराज़ है, बट बात कुछ और ही है। और पता क्या प्रॉब्लम क्या होती है, देखो लेडीज़ लोग उनको लड़कियों को लगता है कि शायद इनका हस्बैंड तेज है, समझ जाए क्यों नाराज़ है। भाई हमें नहीं समझ आता क्यों नाराज़ है, क्या कारण है क्या नहीं है। 2 दिन तक मुँह खुला करेगी, 2 दिन बाद पता लगेगा कि फलाने ने सूट दिया था वो सूट सही से नहीं सिला, या इन्होंने कोई रिंग ऑर्डर करी थी वो रिंग नहीं आई, या फिर दूध वाला ठीक से दूध नहीं देके जा रहा, कुछ नहीं पता भाई साहब किस बात पे नाराज हो जाए क्यों हो जाए। फिलहाल तक एज ऑफ नाउ 12 तारीख शाम के 8 बजे तक मुझे नहीं पता किस बात पे नाराजगी चल रही है। कोशिश करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे कि गुस्सा क्यों है मम्मी, है ना बेटा। हाँ। अभी तो नहीं पता। और बेटा क्या चबा रही है, देखियो क्या चबा रही है, अभी 2.5 किलो तो पास्ता खा के हटी और फिर चबा रही है, नहीं है कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सो गाइस ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, डिस्क्रिप्शन में टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, बताइएगा कैसे लग रहा है ब्लॉग, और हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि count wins when it